क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अहमद, सभासद वार्ड नंबर 22। अच्छा सभासद जी, कुछ समय पहले आपने नगर पालिका पर धरना दिया था और डीओ साहब ने आपसे आश्वासन दिया था काम करने के, तो उसमें कितना पूरा आया, कितना अभी अधूरा है? देखिए भैया, मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछले 8 तारीख को नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन देने का काम किया था, जिसमें कुछ ही मिनटों में हमारी बात ये साहब ने जो है ये कह करके जो है धरना समाप्त करा दिया गया था कि भाई 1 महीने का मुझे टाइम दो। इस बात को लेकर हम एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब को सबको अवगत करा चुके थे, लेकिन 8 तारीख से आज लगभग 23 तारीख हो गई, 15-16 दिन लगभग हो गए, तो लगभग 15-18 दिन जो होगी, लेकिन अभी तक कोई भी विकास कार्य हमारे वार्ड में कोई नहीं कराया गया। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, हम सोच रहे हैं अभी लगभग 25 तारीख तक बोर्ड मीटिंग जो है वो करानी थी, लेकिन वो जो है 2-7 दिन चली, आगे पीछे हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। अगर उसमें हमारे काम नहीं बोर्ड मीटिंग में रखे जाते हैं तो हम जो है नगर पालिका घेराव भी करेंगे और तालाबंदी भी करने का काम करेंगे। और क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हमारा सवाल यही, हमारे कार्य जो अधूरे पड़े, जैसे पुराने ठेकेदार आए और उन्होंने यहां पर जो है भ्रष्टाचार किया, अब यहां 14 नंबर वार्ड में मद्दल भाई का वार्ड है, जो पुराना पेट्रोल पंप था, अब उसकी जगह आकर के देख लिए, पानी निकालने की निकासी नहीं है, और गुंडागर्दी इतनी ज्यादा है इन लोगों की कि वहां पर 20 नाले के 20 में दीवार करा रखी। अरे भाई वहां लोग नहीं रहते क्या? उस नाले के बीच में दीवार होने का मतलब यह है कि जो ठेकेदार आया उसने जैसे पुरानी जो उनका नाला था उसी पे ही दीवार कर करके उसे ऊपर उठा के अपना जो है काम चालू कर दिया, अपना चले भाई हो गया, ऊपर तो छाप दिया। एक आदमी के फायदे के लिए सिर्फ उस जगह में, एक सिर्फ आदमी के फायदे के लिए पूरी कॉलोनी परेशान रहती है, जरा सा वहां जरा सी बारिश हो जाए दुनिया भर का पानी उन लोगों के घर में होता है। तो हमारी तो यही है कि भैया हमारे काम जो कार्य है वो नगर पालिका सूद लेने का काम बिल्कुल नहीं कर रही। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है, जो कार्य जहां भी अछूते हैं और जहां हमारे कार्य सफाई व्यवस्था को लेकर के हों, छोटे छोटे एस्टीमेट के कार्य हैं, मैंने जो है आपको वीडियो फोटो में आपको भेज दूंगा सारी चीजों पे। और एक मांग हमारी और है अपने कुरेशी समाज से, हम 3 सभासद कुरेशी समाज से गंगो में आते हैं नगर पालिका में, हमारे समाज से चेयरमैन को इतनी नफरत क्यों है? और अगर हमारे समाज से इतनी ही ज्यादा नफरत है तो हम अपील करते हैं अपने समाज के लोगों से कि वो आने वाले चुनाव में इन लोगों से जवाब मांगे और इनसे कहे, इनसे पूछे कि जब हमारे कुरेशी समाज के लोगों से आप लोग इतनी नफरत करते हो कि कोई भी उनके वार्ड में कार्य नहीं हुआ आज तक, कोई भी विकास कार्य आप लोगों ने नहीं कराया, तो वोट मांगने आप कैसे हमारे समाज में आते हो, इनसे जरूर सवाल करें। एक हमारे मद्दल भाई है, मलिक समाज से आते हैं, क्या इनका उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि पिछड़े सिर्फ मुझे इनका उत्पीड़न होता है कि हमारे पिछड़े हैं? और अपील पूरी कृषि समाज से यही है कि जब भी आप लोगों के बीच में ये वोट मांगने के लिए आए तो इन्हें जरूर इनसे सवाल करें कि जब आप लोगों को कृषि समाज से इतनी नफरत है, उनके कार्य आप लोग नहीं कराते, और अगर हमारा सवाल किया जाता है कि हमने तो सारे काम आपके करा रखे, पहले करा दिए थे, अब कुछ नहीं होने का, तो क्यों नहीं होने का? आपने देखे भी छोटे छोटे स्टूडेंट, आप नगर में क्षेत्र में जाकर देखते हो, आप सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हो, लोगों को बड़काने के लिए आते हो, लोगों में झूठ बोलने के लिए आते हो कि हमने काम किया और कार्य कराए हैं आप लोगों के। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? 1 महीने का अल्टीमेटम हमने अल्टीमेटम दिया था, 1 महीने का हमारे से यू साहब ने टाइम मांगा था कि आपके सारे कार्य हम करा देंगे, विकास कार्य, सफाई व्यवस्था का उन्होंने यह कहा था कि मैं अभी चालू करा रहा हूं जो आज तक नहीं हुई। अगर हमारे 1 महीने के अंदर ये कार्य नहीं हुए तो नगर पालिका की घेराबंदी करने को मजबूर होंगे।